बताइए क्या हो रहा है इस बार, क्या आपके कैंडिडेट प्रवीण पाठक जीत दर्ज कर रहे हैं और किन मुद्दों पर जीत मिलेगी ये यकीन है आप? इस बार ग्वालियर का युवा प्रवीण पाठक को चुनेगा, उसका मुख्य कारण है युवा बेरोजगार है और ग्वालियर बदहाल है। 20 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार और 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार। किसी जमाने में ग्वालियर शहर, आपने भी सुना होगा देखा होगा, इंदौर भोपाल उज्जैन जैसे शहरों से आगे था और इस शहर को औद्योगिक नगरी कहा जाता था। लेकिन बीजेपी की सरकार जब से यहाँ आई, आज यहाँ जो दो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री थी बामौर और मालनपुर बंद होने की कगार पर आ गई। 20 सालों में कोई एक नया उद्योग यहाँ लगा नहीं है, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। पढ़ा लिखा शिक्षित सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर आपको कहीं मिलेगा तो मध्य प्रदेश में मिलेगा। यहाँ के युवा नौकरियों के लिए दूसरे शहरों में दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में एक भी इंडस्ट्री का यहाँ डेवलपमेंट नहीं किया। रही बात शहर की मूलभूत सुविधाओं की, तो आप सोचिए इतना बड़ा ऐतिहासिक शहर आज पीने के पानी के लिए तरस रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट 2003 में जब आई उसके बाद से लेकर इनके नेताओं ने चंबल से पानी लाने के लिए कई बार डीपीआर बनाई, पैसा तक आ गया, लेकिन आज तक चंबल से पानी नहीं आया। स्मार्ट सिटी का जिक्र है, मैं वही बता रहा हूँ, आपका ध्यान वही ले जा रहा हूँ। पीने का पानी आज शहर में नहीं है और उसके बाद अमृत योजना के नाम पर जगह जगह सड़क खोदने का काम किया, भ्रष्टाचार हुआ, बड़े पैमाने पर घपले घोटाले पानी के नाम पर इस शहर में हुए। यहाँ की जीवनदायिनी नदी थी स्वर्णरेखा नदी, आप देखेंगे हाई कोर्ट की बार बार फटकार के बाद भी यहाँ का बेशर्म प्रशासन, नगर निगम हो या स्मार्ट सिटी का प्रशासन हो, अभी तक जवाब तक नहीं दे पाया और करोड़ों रुपए का घोटाला उस स्वर्णरेखा नदी के नाम पर हो चुका, लेकिन आज भी वो नदी कम नल्ला ज्यादा बन के रह गया है। और सवालों पे जल्दी से जवाब ले ले, एक साथ फहरिस्त है, कई बातें हैं, चाहे वो पानी की दिक्कत को लेकर हो, युवाओं के रोजगार को लेकर हो, शहर के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर हो, क्या कहेंगे आप? मुझे कुछ कहना नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश की और ग्वालियर की जनता पिछले 20 सालों से कह रही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा का सरकार है और वो भाजपा को बार बार रिपीट करती है, चुनाव जिताती है, तो इन दावे टोटल खोखले हैं कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, इस शहर में कुछ नहीं हुआ। आप ही अपने कैमरा देखिए, आप इनसे बात कर लीजिए, नहीं आप उनसे बात कर लीजिए, नहीं वो सवाल नहीं पूछ सकते, हम चुपचाप खड़े होकर सुनते रहे हैं, उनको भी सुनना होगा, नहीं सुनना होगा क्या? नहीं सुनना होगा क्या? हाँ तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या ले बिगाड़ देते हैं। मैं 6 महीने से बिल्कुल उसमें हूँ डिबेट में, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, इनके प्रवक्ता क्या करते हैं, हम सवाल के जवाब को फ्रेम करते हैं और ये ले बिगाड़ देते हैं। क्यों? हम इनकी बात पूरी सुनेंगे। अब हमारी बात जब हम कहने को आएंगे, मैं आपको बोलता हूं कि आप इस शहर में जाइए, गाड़ी लीजिए, कैमरा ऑन करिए, सड़कों की स्थिति, एक रेलवे स्टेशन है हमारा बन रहा है उसकी फोटो लीजिएगा, एयरपोर्ट बन चुका है, 6 लेन प्रस्तावित है जो दिल्ली से नई यहां पर कनेक्ट कर रही है, उसके बाद में महीने भर में फीता कट जाएगा इंटर जो स्टेट का जो वो है हमारा एयर उसका बसों का, वो चुनाव जिसको विकास देखना ही नहीं है उसको दिखेगा ही नहीं। लेकिन 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना इस बात का सबूत है कि पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। पूरा प्रदेश जो कभी एक बीमारू राज्य था आज नंबर 10 की इकोनॉमी है भारत के अंदर। ब्रजराज जी, हम आज स्टूडेंट से भी मिले हैं, यूनिवर्सिटी में बात की है, आपकी तमाम बातें सही हैं और सड़कों से लेकर जो सुविधाओं को आप क्लेम कर रहे हैं उस पर युवा भी आपके साथ हैं, लेकिन उनका कहना है कि स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान नहीं और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर वो चिंतित है और शायद उस पर वोट भी करें। अब बेरोजगारी देखिए, ग्वालियर शिक्षाविदों की जगह है, यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, यहाँ पे LNCP भी है, अटल जी के नाम पर एक वो हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है IIM करके, यहाँ पर इसका अपने पर्यावरण पर्यटन को लेके एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा हब है, यहाँ से लोग पढ़ पढ़ के कहाँ जा रहे हैं। अब रोजगारी की बात, अगर रोजगारी सिर्फ सरकारी उसकी जो वैकेंसी है उसको लेके अगर रोजगारी की बात है तो हाँ वो थोड़ा चिंता का विषय, वो कह रहे कि होल्डेड है सारी जो वैकेंसी, तो वो ऐसी चीजें हैं जो प्रशासनिक तौर पे देखी जाएंगी और समय समय पे वैकेंसियां निकाली गई हैं, ऐसा नहीं है कि खाली पड़ा है। कि जो वोट है वो किसके नाम पे पड़ेगा, सांसद भारत सांसद के नाम पर पड़ेगा, उनके रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से पड़ेगा और इस बार के उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा को लोग चुनेंगे या फिर मोदी जी को देखते हुए, कहां पर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्या हर बार पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी है? क्या गलत है इसमें? अगर आपका बैट्समैन
जो बहुत अच्छा है, जिसे जनता पसंद करती है। कभी सचिन तेंदुलकर के पीछे पूरी भारतीय टीम का मैच देखा जाता था, तो अगर आज नरेंद्र मोदी जी परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके नाम पे क्या समस्या है? अभी अभी 4 महीने पहले हमने प्रूफ किया है कि एमपी के मन में मोदी और 163 टीटें आईं। अब अगर हम मोदी की गारंटी और भाजपा के भरोसे पे चल रहे हैं, मुझसे बार बार सवाल पूछा जाता है कि भाजपा को हाशिए पे ला दिया है, मोदी जी को आगे कर दिया है। अरे मैं पूछता हूं कि मोदी जी को आगे करने में बुराई क्या है? वो हमारे ओपनिंग बैट्समैन है, जनता उन पे भरोसा करती है, उनके नाम पे, उनके दिए हुए वादों पे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि हमने 2019 के अंदर जो वादे किए थे, 60% वादे हमने पूरे किए हैं। जिन वादों को आज तक किसी ने सोचा नहीं था, वो वादे हमने पूरे किए हैं। ये लीडरशिप वाली बात जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की लीडरशिप है, आपकी पार्टी में वो कहीं कम दिखता है? आज प्रवीण पाठक से भी मैंने ये सवाल पूछा कि क्या कैंपेनिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए? उन्होंने कहा कि मेरे पास शस्त्र नहीं है, उन लोगों के पास मुख्यमंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं। ये तो लैकिंग आप मानेंगे कांग्रेस की? देखिए, आज बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा अगर संकट किसी ने खड़ा किया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की जनता 10 सालों का उनसे हिसाब मांग रही है। 2014 में उन्होंने देश की जनता को अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे। हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसके झांसे में जनता आई और जनता ने उनको चुना। 2019 में उन्होंने पुलवामा हमले के बाद शहादत के नाम पर वोट मांगा, लेकिन आज भी वो पुलवामा में जो शहीद हुए सैनिक, उनकी माताएं बहने न्याय मांग रही हैं। 5 साल पूरे हो गए, आज तक ये पता नहीं लगा वो 300 किलो आरडीएक्स वहां कहां से आया था, और उन जवानों को जो सम्मान मिलना था, उनके परिवारों को जो मदद मिलनी थी, वो आज तक नहीं मिली। और वो हमला किसके कारण हुआ? आज तक इस सरकार ने उसका हिसाब नहीं दिया। इस बार राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं गए थे। ये नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, ये एक राजनीतिक भूल थी? आप धर्म को मानती हैं? हर किसी का धर्म है, मानती हैं, धर्म को मानते हैं, और धर्म में जो लिखा है, धर्म ग्रंथों में जो लिखा है, हम उनको भी मानते हैं। तो हमारे धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य चारों पीठाधीश्वर शंकराचार्य रहे, जो धार्मिक बातों को मानते हैं और धार्मिक चीजों की सही व्याख्या वही करते हैं। वो चारों शंकराचार्य नहीं गए, उन्होंने कहा ये धर्म संगत कार्यक्रम नहीं हो रहा। जब तक शरीर पूरा नहीं बन सकता, उससे पहले उसमें प्राण कैसे डाले जा सकते हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।